de Israel. अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं बना रही हूँ सेवई का उपमा। तो मैंने लिया है, ये है एक छोटी साइज की प्याज, मैंने बारीक कट कर ली है। और यहाँ पर मैंने ली है कैप्सिकम, और इसको भी अच्छे से कट करके रखा है। और ये है लाल मिर्ची, ज़्यादा तीखी नहीं है। तो ये है कड़ी पत्ता, और मैंने ली है 4 से 5, 6 है। ये है किशमिश मुनक्का। तो चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं। और ये देखिए मैंने कट सेवई ली है, हम लोग इसको कट सेवई बोलते हैं। चलिए फ्रेंड्स बनाते हैं सेवई का उपमा, बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं बनाऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने रखा है कढ़ाई, और डालेंगे, कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है हमारी, थोड़ा तेल डाल देंगे। थोड़ा ही डाला है बस, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा घी। फ्रिज में रखने की वजह से थोड़ा नहीं रहा है, थोड़ा ही डाला है घी। फिर ये तीन गर्म हो गए हैं, अब इसमें डाल देंगे उड़द दाल। उड़द दाल डाली है, और ये है देखिए जीरा राई, को ज्यादा लाल नहीं करना है हमें, थोड़ा ही। आप देख सकते हैं अब इसे डालेंगे किशमिश। प्याज को डाल दिया है, अब डालेंगे कैप्सिकम। कड़ी पत्ता, लाल मिर्च, अच्छे से मिला लेंगे सब। अब इसमें डालेंगे सॉल्ट, ये मोटा नमक है तो टेस्ट अच्छा आएगा, इसलिए मैं ये डाल रही हूँ। मसाले से खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी, आप लोग भी जरूर ट्राई करना। दो तीन मिनट तक अच्छे से इसको थोड़ा पकाएंगे। ये देखिए अच्छे से पक गया है, अब इसमें हम डालेंगे पानी। Thank you.
दो कप डाला है। यहाँ पर देखिए मैंने दूसरी कढ़ाई रखी है, अब इसको थोड़ा भून लेते हैं। कट सेवई को हमें थोड़ा ही ऑयल डाला था, बिल्कुल ना के बराबर। पहले इसमें ज़्यादा डाली हो तो इसमें कम डाली हूँ मैं। चलिए इसको अच्छे से भून लेते हैं, कच्ची स्मेल जाने तक अच्छे से हम भूनेंगे। अच्छा भूनेंगे तो अच्छा बनेगा हमारा उपमा। ऊपर देखिए अच्छे से पानी में भी उबाल आ रहा है, तब तक ये भून लेती हूँ। फ्लेम को मैंने हाई नहीं रखा है तो ये हमारे जल जाएंगे सेवई। आप देख सकते हैं थोड़ी लाल हो रहे हैं, बस थोड़ा ही। गैस को ऑफ कर लेती हूँ। चलिए डाल देते हैं सेवई को। देखिए पानी सारा सूख गया है और अच्छे से भी फ्राई हो गया है। चलिए ये बनकर तैयार हो गए हैं, अब हम फ्लेम को स्लो कर लेते हैं। चलिए थोड़ा दम के लिए रख देती हूँ 2 मिनट तक। फ्रेंड्स माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना है। चलिए फ्रेंड्स डिश आउट कर लेंगे इसे।